वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट देखेंगे, मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैस्लोव हायरार्की ऑफ नीड इज़ ए साइकोलॉजिकल थ्योरी प्रपोज्ड बाय अब्राहम मैस्लोव। यानी कि मैस्लोव ने बेसिकली एक थ्योरी दी थी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें उसने बताया कि एक ह्यूमन पर्सन जो है उसके बेसिकली नीड्स होते हैं, ठीक है। और उसने उस नीड्स को एक हायरार्की में अरेंज किया, उसको एक स्ट्रक्चर दिया कि सबसे पहले उसकी ये नीड पूरी होगी, देन ही विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट नीड, ठीक है। तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट नीड जो है पहले ये है, देन उसकी ये वाली नीड है, और उसके बाद जो है इसकी और नीड होगी। यानी कि उसने एक हायरार्की पूरी बनाई कि इस तरह से हायरार्की में हमारे नीड्स चलते हैं, और ये नीड्स जो है हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। फाइव लेवल्स उसने बताए, और उसके बाद उसने बताया कि इस फाइव लेवल्स को पूरा करने के बाद इंसान जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आता है, यानी कि उसको अपने बारे में अंदाज़ा होता है कि व्हाट आई एम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, अपनी देखते हैं एग्जांपल्स कौन कौन सी नीड्स होती हैं। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक नीड्स हमारी सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं। लेट्स से कि हमें फूड चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें स्लीप, एयर, क्लॉथिंग, यानी ये वो नीड्स हैं जिनके बगैर हम जो है ज़िंदा नहीं रह सकते, हमारा सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये नीड्स उसने बताए, ये बेसिकली हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं कि इंसान सबसे पहले इन नीड्स को पूरा करता है। सबसे पहली नीड जो है वो इंसान की ये है। सेकंड उसने बताया सेफ्टी नीड्स, यानी कि आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि अगर हमारी वो पूरी हो जाती हैं तो देन हमें क्या चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें एक सेफ लिविंग एनवायरनमेंट चाहिए, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें वेलबींग चाहिए, और हम जो है हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हों, फिजिकली इमोशनली, कोई भी हमें कोई भी डेंजर ना हो वहाँ पर। थर्ड उसने बताया कि हमें लव एंड बिलोंगिंग्स की नीड्स होती है, यानी कि अगर हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है, हमारी वाटर, शेल्टर, फूड, स्लीप, एयर पूरा हो रहा है, उसके बाद हमें सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी नीड लव एंड बिलोंगिंग्स, यानी कि हमें चाहिए होती है अपनी सेफ्टी के लिए। वंस हम सिक्योर हो गए तो अब हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर जो डिज़ायर्स होंगे, हमारा सोशल कनेक्शन डेवलप हो, हमारी बिलोंगिंग्स जो हैं हमारी डेवलप हो, जैसे हमें फैमिली की नीड है, हमें फ्रेंडशिप की नीड है, हमें रोमांटिक रिलेशनशिप की नीड है, हमें सोशल सपोर्ट की नीड है, यानी कि हम जो है बेसिकली वो लोग चाहते हैं जो हमें लव करें, हमें एक्सेप्ट करें, और हम जो है हमें एज अ पार्ट ऑफ कम्यूनिटी जो है वो एक्सेप्ट करें, ठीक है। हमें ऐसे रिलेशनशिप्स की नीड होती है जो हमारे साथ कनेक्टेड हो, या हमारे जिनके साथ सोशल कनेक्शन डेवलप हो रहा हो। देन हमारे पास आता है जी इस्टीम नीड्स। इस्टीम नीड्स कौन सी होती हैं, एक दफ़ा सबसे पहले आपने, यानी कि आपकी फिजियोलॉजिकल पूरी, आपकी सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हुई, देन लव एंड बिलोंगिंग्स, यानी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स भी हैं, आपकी सिक्योरिटी भी है, आपकी फिजिकल नीड्स भी पूरी हो रही हैं। नाउ यू नीड इस्टीम नीड्स, यानी कि आपको सेल्फ इस्टीम चाहिए, आप चाहते हो कि लोग जो हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे रिकॉग्नाइज करें, मेरी अचीवमेंट्स को देखें, मेरा एक स्टेटस हो सोसाइटी में, मेरी पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम हो, यानी कि लोग जो हैं मेरी तरफ जो है वो एज अ रिस्पेक्टफुल वे में जो है मुझे अप्रोच करें। लास्ट हमारे पास आ जाएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि एट द हाईएस्ट लेवल इंसान को जो नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, यानी कि वो चाह रहा होता है पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल फुलफिलमेंट या अपनी पोटेंशियल के लिए, यानी कि वो देखेगा कि चलो ये नीड्स तो पूरी हो रही हैं, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना है, ठीक है, मैंने वो चीज़ें देखनी है जो मुझे हैप्पीनेस दे रही हैं, जो मेरी लाइफ को एक प्रोडक्टिव वे में लेकर जा रही हैं, जैसे कि वो हॉबीज को परस्यू कर रहे हैं, इसके अलावा क्रिएटिव एक्सप्रेशन उसकी लाइफ में है, पर्सनल ग्रोथ हो रही है, उसकी लाइफ का पर्पज़ जो है वो फुलफिल हो रहा है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लोव ने बताया कि इंसान जो है उसकी नीड्स जो है वो एक हायरार्की में चलती हैं, यानी कि उसकी पहली नीड पूरी हो रही है, देन वो दूसरी नीड पर आएगा, दूसरी पूरी हुई देन वो तीसरी पे आएगा, और इस तरह से उसकी नीड्स की तरफ पूरी होते होते वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आता है कि हाँ अब मुझे ये वाली नीड है कि मुझे अब चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ अपनी लाइफ में। ये बेसिकली थी हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी बाय मैस्लो। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।